Amigos Blink, freezing time in a blink. नमस्कार, मैं सिमरन भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ प्लान योर वोट विद सिमरन भारद्वाज के एपिसोड नंबर 6 में। आज हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने दावेदारी पेश की है वशिष्ठ वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद पद की। इनका नाम है मीना ठाकुर। जिला परिषद पद के बारे में एक बार फिर से बता दूँ कि जैसे पंचायती राज संगठन में ये भी एक पद है, ये एक व्यवस्था है जिसमें कई पंचायतों द्वारा एक जिला परिषद को चुना जाता है, उसी की दावेदारी पेश की है मीना ठाकुर जी ने। तो आइए जानते हैं कि वशिष्ठ वार्ड के विकास को लेकर इनका दृष्टिकोण क्या कहता है। मीना जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं मीना ठाकुर विशिष्ट वार्ड नंबर 1 से भाजपा समर्थित उम्मीदवार। मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर। मैं जनता से अपील करती हूँ कि आप मुझे अपना कीमती वोट देकर विजय बनाएं। मीना जी, आज की इस विशेष चर्चा में हम कुछ सवाल जवाब आपसे करेंगे, जिसमें हमारे सवाल होंगे जवाब आपके होंगे। जिला परिषद पद की आपने दावेदारी पेश की है, तो जिम्मेवारी भी उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा पद है। तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि आपके विशिष्ट वार्ड के अंतर्गत कितनी पंचायतें आती हैं? मेरे विशिष्ट वार्ड में जो है 10 पंचायतें, 13 आती है, यानी पहले 10 थी जी, तो अभी 3 और बन गई, मतलब इनके छोटे छोटे वो किए पंचायतें बनाई। सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार और अपने मंत्री जी ठाकुर गोविंद सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारी मांग, ये बड़ी पहले से थी कि हमारी पंचायत बहुत बड़ी है, इनको छोटे छोटे बनाए जाए, तो इस बार इनका पूरा सहयोग रहा हमारे पंचायत अलग करने में। तो हमारी पंचायतें अब 13 बन गई है, 3 पंचायतें जो है और निकाल दी। हाँ जी, बढ़ गई है। तो ऐसे में कौन कौन सी पंचायतें हैं हमारी? सबसे ऊपर से देखो पलचान सबसे पहले, तो उसके बाद बुरुआ जी, तो उसके बाद वशिष्ट, ये पंचायत बहुत बड़ी थी, अब इसको 2 बना दिया है जी। एक चचोगा, उसके बाद परिणी, परिणी के बाद गोजरा, गोजरा के बाद जगत सुख, फिर करजां, फिर सोइल पंचायत, फिर हलान फर्स्ट पंचायत बहुत बड़ी थी तो उसको भी छोटी करके एक सरसई पंचायत बना दिया, फिर एक नगर पंचायत, वहाँ भी ये बहुत बड़ी पंचायत थी तो उसको भी 2 हिस्सों में कर दिया है, तो एक रुमसू जी। हाँ जी, तो ये इससे क्या फ़ायदा हुआ है, आप क्या समझती हैं? पंचायत बड़ी थी तो मैं भी बहुत बड़ी पंचायत की पूर्व में प्रधान रही हूँ, तो मुझे जैसे पैसा आता था तो 50,000 रखो आप, तो मुझे ये पूरी पंचायत में लगाना बहुत मुश्किल होता था। जैसे छोटी पंचायतें होती है तो वो विकास के कार्य करने में बहुत अच्छा होता है कि मतलब पैसे जो है छोटी पंचायत में जो है पैसा लग जाता है, क्योंकि मुझे मुश्किल हो जाती थी कि भाई इतना पैसा जो मेरा 50,000 से मेरी बड़ी पंचायत को क्या विकास होना था उससे। अब वो एरिया वही, आदमी वही, लेकिन जो है पैसा जो है 2 हिस्सों में बन जाता है, तो विकास हो जाता है। मीना जी, अभी आपने जिला परिषद पद के लिए जो है दावेदारी पेश की है, पर इससे पहले आप किन पदों पे जो है विराजमान हो चुकी हैं, या मैं कहूँ कि आपकी हिस्ट्री क्या रही है, बैकग्राउंड क्या रहा है, थोड़ा सा हमें बताएं। मैं 2001 से 5 के बीच में निर्विरोध वार्ड पंच रही हूँ। निर्विरोध? हाँ जी, ग्राम पंचायत हलान फर्स्ट के वार्ड नंबर 1 दिशाल से जी। तो उसके बाद अभी 2010 से 15 के बीच में मैं प्रधान रही जी। ये एक मेरी पंचायत बहुत बड़ी पंचायत थी, तो उसमें मैंने बहुत से विकास के कार्य किए हैं। तो उसके बाद मैं 5 साल भाजपा की जो जिला कार्यकारिणी में भी सदस्य रही हूँ जी। तो आपको अगर मैं कुल मिला के कहूँ तो 15 साल का अनुभव है वैसे पंचायती राज में कार्य करने का। मीना जी, इसी से मेरा जो अगला सवाल है काफी मिलता जुलता ही है पिछले सवाल से, कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो आप समर्थित हैं, और भारतीय जनता पार्टी से आपको कैसा समर्थन मिल रहा है, मतलब कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का कैसा साथ मिल रहा है आपको, थोड़ा सा बताएं। मुझे इनका सबका बहुत समर्थन मिल रहा है, जैसे कि हमारे जो यहाँ विधायक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी ठाकुर गोविंद सिंह जी, तो इनका भी मुझे बहुत साथ मिल रहा है।
तो हमारी प्रदेशोपाध्यक्ष श्रीमती धनेश्वरी जी, ये तो कंधा से कंधा मिलाकर मेरे साथ ही हैं जी। तो हमारे जो विशिष्ट वार्ड से हैं ठाकुर दास जी महामंत्री मंडल के, मनाली मंडल के जी। तो विशिष्ट पंचायत के जो प्रधान, पूर्व में प्रधान रहे और विशिष्ट वार्ड के जो प्रभारी भी हैं आजकल, ठाकुर गोवर्धन जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष दुर्गा जी, और हमारे रिटायर्ड DFO करजा सोइल पंचायत से हैं रिटायर्ड DFO श्री मानचंद जी, हमारे वरिष्ठ नेता, ये हमारे साथ है जी, कंधा से कंधा मिला के मेरा पूरा साथ दे रहे हैं जी। हाँ जी, तो आपको वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का पूरा 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 सहयोग मिल रहा है। हाँ जी हाँ, और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा जो है फैक्टर रहता है, जब आप समर्थित होते हैं किसी पार्टी के तो ऑलरेडी वहाँ पे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हाँ होते हैं उनका जो एक पकड़ होती है उसके साथ कार्य करने में और ज्यादा आत्मविश्वास एक कैंडिडेट का बढ़ जाता है। और ठाकुर ये चंद्र किरण जी, वो भी हमारे साथ हैं जी। हाँ जी, इनका मुझे बहुत साथ पूरा साथ मिल रहा है। हाँ जी, तो इसी से संबंधित वशिष्ठ वार्ड से मेरा अगला सवाल ये है मीना जी, हाँ जी, कि अगर इतिहास उठाकर देख लें तो कुछ समय से वहाँ पे कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट पर जो है वशिष्ठ वार्ड ने अपना भरोसा दिखाया है, वहाँ पर कांग्रेस को जो है सपोर्ट किया गया है, हाँ तो ऐसे में इस बार आप क्या उम्मीद रखती हैं? हाँ, ये पीछे देखो 20 सालों से जो है कांग्रेस के ही हमारे जिला परिषद विशिष्ट वार्ड से जो है रहे हैं, तो इस बार ऐसा नहीं है जी। इस बार हम इतिहास को बदल देंगे जी। क्योंकि मेरे साथ जो है, जो पीछे जिला परिषद के लिए रिटायर जो मानचंद जी, DFO रिटायर जो है मानचंद जी, वो भी, और श्री ठाकुर दास जी और चंद्र किरण जी, जिन्होंने पिछले टर्म में जो है जिला परिषद के इलेक्शन लड़े हैं, वो तीनों मेरे साथ हैं इस वक्त जी। हाँ, उनका पूरा सहयोग है तीनों का, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जी। इस बार जो है हमारी जीत है। जो पिछली बार का जो जिला परिषद चुनावों की मैं बात करूं, वशिष्ठ वार्ड का जो सिनेरियो था, जैसा कि आपने कहा कि वो तीनों कैंडिडेट वहां से खड़े थे जो कहीं ना कहीं एक ही विचारधारा के थे, ऐसे में उन तीनों का एक साथ आकर मीना जी के साथ खड़े होना आपका आत्मविश्वास तो बढ़ाता ही है, साथ बढ़ गया है पूरी भाजपा का, मैं कहूँ अगर उस तरफ, तो काफी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। मीना जी, इस श्रेणी मेरा अगला सवाल तो असंग ऐसा कि अगर वशिष्ठ वार्ड जनता तू सब जिता सा, तू सब बहुमत मिला सा, तो जिला परिषद बना सी, तो से बिन पहले तो सिर्फ प्राथमिकता की होनी, तो सर की काम करना, तो से बिन पहले मु जिला परिषद और जिला परिषद मेंबर बनू आऊं, तो मु जिला परिषद सरकार रे और पंचायत रे बीचन पुलर काम करना, मुझे भी विकास योजना वाली जो भी सरकार की नीतियां होगी वो मैं हर पंचायत तक पहुंचाऊंगी जी, जे भी विकास के कार्य होंगे झंडे भी होने वाला ते मु ग्राम तक पहुंचाना है जी, तो जो भी पंचायतों में विकास के कार्य रुके हैं उनकी गतिविधियां करेंगे, सरकार मारी अपनी सा जी, दिल्ली मारी सरकार सा, जयराम जी की शिमला में मारी सरकार है जी, हमारे मंत्री जी यहाँ से हैं, मुझे मुंह में कोई काम करने दिक्कत भी नहीं आना थी, मुंह में ऐसा आना होना काम करना, तो मैं हर पंचायत में जो है विकास के कार्य करूंगी जी। तो तू सब अभिशास है कि अगर तू जिला परिषद चुनी है जैसी तो सब काम करना बड़ा आसान होना, हाँ जी, कड़ी जुड़ना, हाँ जी, कड़ी जुड़ना और मेरे को काम करने में आसानी होगी जी। जब तक से मैं लिया सशक्तिकरण री गल 2015 बिचन से वार्ड पंच रही, तद भी बड़ा हमारी सरकार 33% थी महिला को आरक्षण, तो अभी जो मैं प्रधान रही या अभी जो जिला परिषद में आई, हमारा जो है 50% का आरक्षण बिटड़ी बसा, तू ही करी आवाज औख खेडी सा, और बिटड़ी भी ता बड़े बारे फायदे देने से सरकार है, आसा था अपनी सरकार भी धन्यवाद करना, क्योंकि आसा बिटड़ी वे इतना मौका नहीं थी मिलता आगे निकलना, जब हमारे को आरक्षण मिला तो आस वाला औख तक पूजी जी। तो और भी कई विकास बिटड़ी रहते हैं सिला किन्ने गवर्नमेंट है जी, तो ऐसे में आप जो है महिला सशक्तिकरण को भी तवज्जो देंगे। हाँ जी जी। मीना जी, जैने कि आजकल पंचायती राज संगठन चुनाव भी लागे से होते हैं, प्रधान सी पंच सी मारे, तो इन चुनावों तक कोई पार्टी समर्थित नहीं होता,
हालांकि जिला परिषद हुआ सा जैसे कि तुसे भाजपा समर्थित सी, पर पंचायती राज संगठन ने एंडा किछ भी ना प्रावधान होती ना कोई व्यवस्था होती, पर तेवे भी ऐसे औसका ले रहा सी कि जितने भी कैंडिडेट सी तिना कोई विचारधारा से जोड़िया तिना आकलन के रहा सी, तो नजर आने सही सा कि गलत एंडा ना कि पंचायतन तो चलो कोई पार्टीबाजी नहीं होती थी जी, जिला परिषद से होती है जैसे मैं भाजपा समर्थित हूँ तो पंचायतन तो एना सा कि इनरा देखो कैसे आदमी है, ईमानदार होने चाहिए, कर्मठ मिलनसार तेंडे मानो चुनिया जे बनाने चाहिए, तो जे मारी सा चलो मुंबई एंड रहा कि जुड़ी मु वोट दिले चा नहीं दिले वोट चा दिले वोट, मैं तो उनका भी विकास करूंगी, उनको साथ लेके ही चलूंगी जी, तो विकास होना चाहिए मेरे एरिया में, मेरे जो विशिष्ट वार्ड में है मुझे इतना है कि मेरे एरिया में जो है मैं विकास लोड़ी थी केरू जी, विकास लोड़ी हुआ, तो आप किसी को इस मापदंड पे नहीं आके नहीं, किस विचार नहीं, वो सभी मेरे साथ हैं, जब मैं मेरे को जिला परिषद के मेंबर बनाएंगे तो मैं सबको साथ लेके चलूंगी जी, ये काफी एक सकारात्मक सोच एक कैंडिडेट की है और ये होनी भी चाहिए, और जहाँ तक मीना जी ने भी इस बात को जो है वो इस पे कटाक्ष किया है और जितने भी कैंडिडेट्स आज तक यहाँ पर आए सबने कटाक्ष किया है कि जहाँ पे बात आती है पंचायती राज में तो वहाँ पे किसी को किसी विचारधारा के आधार पर आप ना चुने, क्योंकि देखिए जो पंचायत होती है वो विकास की पहली सीढ़ी होती है, वहाँ से अगर कोई आवाज उठेगी तब जिला परिषद तक पहुंचेगी और उसके बाद वो आगे जाएगी, तो वहाँ पे प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए ये तो पूरी पूरी जिम्मेवारी वहाँ के लोगों की अपनी बन। मीना जी एवेस हमारे कार्यक्रम में बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर सी एवेस पता सा कि इलेक्शन तो सी वर्षेंग है कोरोना महामारी भी सा एंड एन दुगनी चुनौती से हमारे चुनाव आयोग रहते भी हमारे प्रशासन रहते हैं भी से भी रहते दुगनी चुनौती से और लोग मनन है भी सा कि पता नहीं अभी तो भीड़ भाड़ होनी खासकर बुजुर्ग रिडोर कि तो भीड़ भाड़ होनी अस वोट देना भी कि देना नहीं की एहतियात बरतनी चाहिए एंड तो पूरी तैयारी डाई सा प्रशासन पर एक कैंडिडेट होने ना तो तू सर भी फर्ज बना सा कि तू से भी एक अपील करा एक संदेश दिया। कोरोना महामारी तसे भी पता वाला है भयंकर बीमारी आई से लेकिन ऐसा है कि अब लाज भी आओ धासा अब तो टीके वैक्सीन बनी तैयार हुई सा है 13 जनवरी से उरी लागी सौंधे वाला जी। बाकी हम अपने विशिष्ट वार्ड रहे बुजुर्ग भाई बहन से भी बोला हा कि अपने वोट दें जाए तो ऐसा अपना दान मतदान महादान जी। 5 साल बाद आ सब मौका मिला सा वोट दें लोड़ी जरूरी बह गए तो सैनिटाइजर और मास्क जो है मास्क जरूर लगाना बोला सी जब तक बीमारी ऐसा जी वाला हैंडा मतलब उस देखी खत्म हुई बीमारी सा लेकिन मास्क लाया और सैनिटाइजर पाया वोट दें जरूरी जाए तो क्योंकि वोट जैसा ऐसा हमारा दान महादान 5 सालों के बाद आता है ये जी। तो मतदान हो से जी। और मैं मीना ठाकुर गांव दशाल विशिष्ट वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद की उम्मीदवार, मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर के ऊपर आप मोहर लगाकर मुझे विजय बनाएं, अपने भारी मतों से मेरी जीत करवाएं, जय हिंद जय भारत नमस्कार। मीना जी वाकई बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ पर बातचीत करके, आज यहाँ पे जो भी चर्चा हुई मैं उम्मीद करती हूँ कि वशिष्ठ वार्ड की जनता ने वो ध्यान से सुनी होगी, अब वो उसके बिहाफ पर ये फैसला करेंगे कि वो आपको प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वशिष्ठ वार्ड नंबर 1 से मीना ठाकुर जी, आपने इनके विचारों को सुना, इन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी, अब फैसला आपको करना है क्या आप जिला परिषद पद पर इन्हें देखना चाहते हैं, वशिष्ठ वार्ड नंबर 1 की जनता को ये फैसला करना है, फैसला जो भी हो पर वोट जरूर कीजिएगा, मतदान महादान। आप देखते रहिए अमीगोस ब्लिंक, हमारे पेज को लाइक कीजिए फॉलो कीजिएगा और हमारी इंटरव्यूज़ को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है या आपके क्या सवाल हैं। इंस्टा पे हमें कीजिए फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत। अमीगोस ब्लिंक, फ्रीजिंग टाइम इन अ ब्लिंक।